हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोटीन का डाइजेशन पढ़ने वाले हैं। खाने में हम जो दालें, पनीर वगैरह यूज़ करते हैं, वो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन का डाइजेशन समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा से प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगी। प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलके बने होते हैं। अमीनो अम्लों की एक एक यूनिट के बीच में, एक एक इकाई के बीच में पेप्टाइड बंध के द्वारा लंबी चेन जब बन जाती है तो वही प्रोटीन कहलाता है। अलग अलग प्रकार के प्रोटीन अमीनो अम्लों की चेन के अलग अलग प्रकार से फोल्ड होने के कारण या वलन होने के कारण बनते हैं, तो जो उनका 3D स्ट्रक्चर है वो एक फाइनल फंक्शनल प्रोटीन बनाता है। जो भी हम भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटीन अपनी डाइट में लेते हैं, उनका डाइजेशन होने में थोड़ा समय लगता है। और मुख्य रूप से प्रोटीन का डाइजेशन आमाशय में शुरू होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन या हमारी जो छोटी आंत है वहाँ जाकर समाप्त हो जाता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे लार में जो एंजाइम पाया जाता है, अल्फा अमाइलेज एंजाइम, वो मुंह में ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू कर देता है। लेकिन प्रोटीन के केस में लार में या सलाइवा में ऐसा कोई एंजाइम नहीं पाया जाता जो उसका डाइजेशन करे। इसलिए जब हम माउथ की बात करते हैं या जब हम बकल कैविटी की बात करते हैं, उस केस में यहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल डाइजेशन होगा। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब है कि भोजन को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया जाएगा या बांटा जाएगा, उसी को हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। ये टुकड़े जब आगे की तरफ आमाशय या स्टमक में जाते हैं तो पहली बार स्टमक या आमाशय में उनका केमिकल डाइजेशन होता है। वास्तव में यहाँ से डाइजेशन प्रारंभ हुआ है, अब शुरू हुआ है पाचन। प्रोटीन का पाचन सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा समय लेता है, इसीलिए प्रोटीन युक्त भोजन जो है वो आमाशय में ज़्यादा देर तक रहता है। और जब भी आप प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे आप स्प्राउट्स खाएंगे या दालें खाते हैं, तब आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। तो यहाँ पर जैसे ही फूड चबाने के बाद स्टमक या आमाशय में पहुँचता है, आमाशय का जो pH है वो अम्लीय होता है, लगभग 1.5 से 2.5 के बीच में। यह अम्लीय pH बेसिकली गैस्ट्रिक जूस में उपस्थित HCl के कारण होता है, जो कि पैराइटल सेल्स के द्वारा स्रावित किया जाता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस, जो कि आमाशय की ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, उसमें एक एंजाइम भी पाया जाता है जिसे हम कहते हैं पेप्सिनोजन। वास्तव में ये एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म है, या कह सकते हैं कि उसकी प्री फॉर्म है। आमाशय में स्रवण के बाद या स्टमक में आने के बाद पेप्सिनोजन का सबसे पहले एक्टिवेशन होता है और ये पेप्सिन में कन्वर्ट किया कर दिया जाता है। ये एक्टिवेशन बेसिकली अम्लीय माध्यम के कारण अपने आप हो जाता है। तो जैसे ही पेप्सिनोजन स्रावित होकर आमाशय की कैविटी में आया है, आमाशय के अंदर पहुंचता है, ये अपने आप एक्टिव होकर पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एक्टिवेटेड पेप्सिन या जो फाइनल एंजाइम बना है वो एक्ट करता है प्रोटीन के ऊपर, जो प्रोटीन के टुकड़े या भोजन में प्रेजेंट है उस पर, और उसको कन्वर्ट कर देता है प्रोटीओज तथा पेप्टोन्स के अंदर। यहाँ जो दो नाम मैंने बताए हैं, प्रोटीओज एंड पेप्टोन, ये वास्तव में प्रोटीन के ही छोटे छोटे खंड हैं, लेकिन क्योंकि अब ये इनका साइज़ छोटा हो गया इसलिए ये थोड़े से वाटर सॉल्यूबल हो गए हैं। जबकि जो इंटैक्ट प्रोटीन होता है, शुरुआत का जो प्रोटीन होता है जो पाचन के लिए हमारी बॉडी में गया है, वो इनसॉल्यूबल होता है। तो अब ये सॉल्यूबल प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया, इसके साथ में कुछ अमीनो अम्ल भी इसमें बन जाते हैं। जब हम मिल्क प्रोटीन की बात करते हैं, मिल्क प्रोटीन बेसिकली लिक्विड फॉर्म में होता है और उसको पचाने के लिए पहले उसका प्रेसिपिटेट बनाना आवश्यक है। इसीलिए मिल्क का प्रोटीन या मिल्क जो तरल है वो जब आमाशय में जाता है तो वहाँ उपस्थित कैल्शियम उससे क्रिया करके कैल्शियम पैरा कैसिनेट का एक अवक्षेप बना लेगा या एक PPT बना लेगा। अब इस अवक्षेप के ऊपर पेप्सिन एंजाइम काम करता है और उसको पेप्टोन्स या सॉल्यूबल, या हम कह सकते हैं कि छोटे टुकड़ों वाले सॉल्यूबल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। ये सारा भोजन या ये प्रोटीन पार्शियल डाइजेशन या आंशिक पाचन के बाद अब आगे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में भेजा जाता है। तो शुरुआत में आमाशय में प्रोटीन आया था और अब ये प्रोटीन सॉल्यूबल प्रोटीन में कन्वर्ट हो चुका है, जिसको हम प्रोटीओज, पेप्टोन्स या डाईपेप्टाइड्स वगैरह कहते हैं। छोटी आंत में जैसे ही ये प्रवेश करता है तो छोटी आंत का पहला भाग है ड्यूओडेनम, जिसको हम ग्रहणी भी कहते हैं हिंदी में। ग्रहणी में आमाशय से जैसे ही भोजन प्रवेश करता है तो
तो उस भोजन का माध्यम होता है अम्लीय। अम्लीय माध्यम के प्रोटीन भोजन से उद्दीपन से एक प्रकार का हार्मोन स्रावण होता है जिसको हम कहते हैं कोलीसिस्टोकाइनिन। ये हार्मोन स्रावित होने के बाद में पैनक्रियाज में जाता है या अग्नाशय में जाएगा और अग्नाशय के जो जूस हैं या अग्नाशय के जो एंजाइम्स हैं उसके स्रावण को प्रेरित करेगा, जिससे कि अब भोजन का माध्यम क्षारीय हो सके और भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में हो सके। पैनक्रियाज से जो भी हार्मोन आया है या पैनक्रेटिक जूस का स्रावण होता है या जिसे हम कहते हैं अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस के अंदर HCO3 प्रेजेंट बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि एसिडिक जो फूड था जो अमाशय से आया था अम्लीय माध्यम का भोजन, अब वो धीरे धीरे उसका माध्यम क्षारीय हो जाता है और इसका pH अब 2.5 से 7.0 या कह सकते हैं कि ये अम्लीय माध्यम क्षारीय माध्यम की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब भोजन का पाचन या प्रोटीन का पाचन क्षारीय माध्यम में होगा, शुरुआत में ये एसिडिक मीडियम में हुआ था। कोलीसिस्टोकाइनिन के साथ में ही जो इंटेस्टाइन या छोटी आंत की दीवारें हैं उनमें जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, उससे एंटेरोकाइनेज नामक जूस स्रावित होता है। पैनक्रेटिक जूस में कई तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन के पाचन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इनमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और एलास्टेज मेन है। इसके अलावा इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें, आंत्र की जो ग्रंथियां हैं उसकी बात करें, तो उनसे दो मुख्य एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो प्रोटीन के पाचन से संबंधित है। इसके अलावा और भी एंजाइम होंगे लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट या फैट्स से रिलेटेड होते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो इंटेस्टाइनल एंजाइम जो है उनमें मेन है एमाइनोपेप्टाइडेज तथा डाईपेप्टाइडेज। ये सारे पांचों प्रकार के जो एंजाइम हैं ये अलग अलग प्रोटीन के खंडों पे या अलग अलग चेन्स पे एक्ट करते हैं, इनका स्पेसिफिक एक्शन होता है और इस तरह से ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। प्रोटीन के डाइजेस्ट होने के बाद भी कुछ भाग ऐसा होता है, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जैसे कोलेजन है या फाइब्रिन प्रोटीन है, ये प्रोटीन पूरी तरह से कभी भी डाइजेस्ट नहीं हो पाते। ये कोलेजन और फाइब्रिन मेनली नॉन वेज जो डाइट होती है उसका पार्ट बनाते हैं। यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह से एंजाइम आगे से आगे एक्टिव होगा और दूसरे एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव कर देता है। जैसे ट्रिप्सिनोजन जो है जब भी वो स्रावित होता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा और वो खुद सेल्फ कैटलाइजेशन के थ्रू एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर एक्टिवेशन ये दूसरे एंजाइम जिसको हम काइमोट्रिप्सिनोजन कहते हैं उसको एक्टिव करेगा और काइमोट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इसका एक्टिवेशन में ट्रिप्सिन के द्वारा किया जाता है और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के तीन प्रकार होते हैं, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए, बी तथा अमाइनोपेप्टाइडेज। ये अलग अलग प्रकार के प्रोटीनों पर एक्ट करते हैं। प्रोइलास्टेज एंजाइम को एक्टिव करके इलास्टेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो कि इलास्टीन प्रोटीन जो एनिमल की स्किन के अंदर होता है उस पर एक्ट करता है। तो ये भी जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है उसको या नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। प्रोकॉलिपेज एंजाइम एक्टिव होकर कॉलिपेज एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ टेबल में समरी दिखाई गई है कि पैनक्रियाज से कौन से एंजाइम, स्टमक से कौन सा एंजाइम स्रावित होगा, पैनक्रियाज से कौन सा होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन सा होगा और उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। जैसे हर एक एंजाइम जो है उसका एक्ट करने का तरीका अलग होता है। यहाँ जैसे हमने कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की बात की तो प्रोटीन की चेन जो होती है उसके दो अलग अलग भाग होते हैं। एक सिरा जो होता है वो अमाइनो एंड कहलाता है या अमीनो सिरा कहलाता है और प्रोटीन की चेन का दूसरा भाग कार्बोक्सी एंड या कार्बोक्सी सिरा कहलाता है। तो यहाँ जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम है वो कार्बोक्सी एंड से डाइजेशन शुरू करता है। जिस जगह CO3 होगा वहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस, वहीं से भोजन प्रोटीन को काटना प्रारंभ करता है। यहाँ पे आपको फिर से समरी दिखाई गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन जो माउथ वाला एरिया है, माउथ वाले एरिया में प्रोटीन का डाइजेशन शुरू, मैकेनिकल डाइजेशन शुरू हुआ है। इसके बाद में स्टमक में आने के बाद स्टमक में देख सकते हैं कि जो
बड़े लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड थे उनको छोटे छोटे डाईपेप्टाइड्स, ट्राईपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट किया गया, जिनको हम प्रोटीओज एंड पेप्टोन्स भी कहते हैं। इसके बाद अम्लीय फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसको क्षारीय किया जाता है, और क्षारीय करने के बाद इसमें पैनक्रियाज, अग्नाशय के तथा छोटी आंत्र के एंजाइम आकर उसमें मिलते हैं और भोजन का पाचन शुरू करते हैं, और अंततः सभी प्रकार के एंजाइम मिलकर अमीनो अम्ल में प्रोटीन को कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से जब भी प्रोटीन डाइजेस्ट होगा तो उसका एंड प्रोडक्ट हम कहते हैं कि वो अमीनो एसिड होगा, और अमीनो एसिड ही छोटी छोटी इकाइयां हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन में इजीली एब्जॉर्ब हो सकती है, पूरी लंबी चेन्स का एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए उनको छोटी छोटी इकाइयों में कन्वर्ट किया जाता है, और इसके लिए उन इकाइयों के बीच या यूनिट्स के बीच के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जो उस चेन को बांध के रखता है, उसका पाचन किया जाता है, उन बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है, और फाइनली बनने वाले अमीनो एसिड्स को बॉडी अपने आप एब्जॉर्ब कर लेती है और वो ब्लड वेसल में पहुँचता है। हमेशा जब भी भोजन का पाचन होगा और ब्लड के अंदर जो भी डाइजेस्टेड आइटम्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो हमेशा सीधे लीवर में जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट में भी हमने बात की थी, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो लीवर में जाता है, और लीवर में जाके वो स्टोर हो जाएगा, और जब भी हमें ज़रूरत है, जब भी हम फास्टिंग में हैं, स्टार्विंग में हैं, तब वो वापस हमें एनर्जी देता है। इसी तरह से अमीनो एसिड्स भी लीवर में जाते हैं और उनको कभी अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट करके स्टोर कर दिया जाता है, और जो एक्सेस है वो स्टोरेज हो जाएगा, और उसके अलावा जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो अमीनो एसिड्स हमारे डाइजेशन में, हमारे मेटाबॉलिज्म में काम आ जाते हैं। तो ये था प्रोटीन का डाइजेशन। थैंक यू।